नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों ने अपना पिछला टाइम बहुत एंजॉय किया हुआ है। नवंबर का महीना था, कार्तिक का महीना था, बहुत सारे धर्म का, दान का, पुण्य का, भक्ति का ये महीना होता है, तो आप सब लोगों ने इस समय को बहुत एंजॉय किया होगा। और त्योहार थे पिछले महीने, बहुत अच्छे से मनाए होंगे, बहुत अच्छा समय आपका रहा होगा। मेरा भी समय बहुत अच्छा था, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाई, वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि ये जो कार्तिक का महीना होता है बहुत ही व्यस्तता से भरा हुआ होता है। बहुत सारे, ढेर सारे काम होते हैं, घर के तो होते ही हैं, उसके अलावा बहुत सारे पूजा पाठ के काम होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, और सभी लोग भी अक्सर इन दिनों में पूछते हैं कि दीदी ये काम कैसे करना है, दीदी ये काम कैसे करना है, तो उनके सवालों के जवाब भी देते देते समय निकल जाता है। अभी कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, मार्गशीर्ष मास है, कृष्ण पक्ष है और उत्पन्ना एकादशी है, तो लोग पूछते हैं कि दीदी ये कैसे करना है, व्रत को कब से शुरू किया जाए। तो ये बेस्ट टाइम है, उत्पन्ना एकादशी, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि इस दिन एकादशी तिथि का बोला जाता है कि वे भगवान विष्णु के शरीर से वे उत्पन्न हुई थी, तो इसलिए इस दिन से एकादशी व्रत को स्टार्ट लोग करना पसंद करते हैं। तो आप भी करिए, और अभी आप सोच रहे होंगे कि उसका क्या बेनिफिट है। जो लोग रखते हैं उनको तो पता ही है, वो इस बात की तरफ ध्यान भी नहीं देते कि क्या बेनिफिट है क्या नहीं, क्योंकि वो सहज और सरल भगवान के प्रेम में डूबे हुए होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिज्ञासा रहती है कि दीदी इस व्रत को करने से क्या होता है, तो इसके मल्टीपल बेनिफिट है। सबसे पहले तो जब हम एक लंबे टाइम तक फास्टिंग पीरियड में रहते हैं तो हमारी बॉडी जो है बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई होती है, प्यूरिफिकेशन होता है हमारी ऊर्जाओं का, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तौर पर जैसे कि हमारे सभी चक्रास और हमारी भावनाओं का शुद्धिकरण, हमारे कर्मों का शुद्धिकरण, और एक्सटर्नल हमारा जो ऑरा है और हमारी जो एक हमारी लुक है वो भी बदलने लगती है जैसे जैसे हम पूजा पाठ करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जो धार्मिक लोग होते हैं, अगर आप एक ही एज ग्रुप के दो लोगों को लो, तो जो धार्मिक होगा उसके चेहरे पर जो सहजता, सरलता, शांति और कांति होती है, जो धर्म को फॉलो नहीं करता उसके चेहरे पे वो चीज वैसी नहीं होती है। वाइब्रेशन दोनों की बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो देखिए, हमें धर्म का लाभ तो मिलता ही है, और देखिए मन की चंचलता का इससे निवारण होता है व्रत में, क्योंकि हम अपने मन को साध के रखते हैं। उस दिन हमें ये याद रहता है कि आज हमारा फास्ट है, हमने आज गलत लोगों से बात नहीं करनी है, क्योंकि जब बोलते हैं कि दो कदम चलने पर भी मित्रता हो जाती है और दान और पुण्य का फल मिलता है, संग से हमें दान और पुण्य का फल मिलता है, तो जो व्रती होता है उसको हर वक्त याद रहता है कि मुझे आज किसी भी गलत कंपनी में नहीं रहना है, मुझे कोई गलत बात नहीं करनी है, आज मैं फास्टिंग में, मुझे किसी को कर्सिंग नहीं देनी है, आज मुझे किसी को गाली नहीं देनी है, क्योंकि पुण्य फल खत्म होता है। तो देखिए, जब हम एक दिन के लिए अपने आप को इतना साध कर रखते हैं तो फिर वो धीरे धीरे चीजें हमारी नेचर में आने भी लगती हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मन को वश में रखें। तो यहां से हम लेसन सीखना शुरू करते हैं, अपने आप को अपडेट करना शुरू करते हैं कि कैसे हमने अपने मन को वश में रखना है। तो डेफिनेटली जब हमें अपने मन को वश में रखना होगा तो हमारी चंचलता है वो कम होगी, हमारी जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी, क्योंकि बार बार फोकस रहता है ना कि आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, आज हमारा फोकस कहां रहता है कि आज हमारा व्रत है, हमें अच्छे काम करने हैं, हमें वही काम करने हैं जो श्री हरि को प्रिय है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है, और हमें अपना 100 out of 100 हमें मार्क्स चाहिए। और दूसरी बात ये, इसका हमें ये बेनिफिट है कि हमें मानसिक शांति मिलती है। जी हाँ, एक ये जाहिर सी बात है कि जब हम कोई भी अच्छा काम करेंगे तो हमें डेफिनेटली मानसिक शांति मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी। उस दिन हम खूब सारा जाप करेंगे, और जाप ना भी करो, हमें भगवान की उस दिन पूरे दिन स्मृति सहज ही बनी रहती है कि आज मेरा एकादशी का व्रत है, और वो एकादशी के साथ ही हमें एक अंदर मन में छवि बनती है भगवान की हर वक्त कि हम उनके समर्पित हैं, आज हम उनके शरण में हैं, तो वो कितनी मानसिक शांति मिलती है। और जब हम कथा करते हैं हमें वहां से कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिलता है, कितनी मानसिक शांति मिलती है। और जब हम दान करते हैं तो हमें कितनी मानसिक शांति मिलती है, मतलब इस शांति का तो कोई तोड़ ही नहीं है जनाब।
भगवान विष्णु की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और जब हम लंबे समय तक करते हैं तो वो हर वक्त हमें उनकी एक प्रेजेंस फील होती है अपने साथ। तो उनकी ब्लेसिंग के साथ हमारी लाइफ में बहुत बड़े मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारी चेंजेस आती है। अब आप में से जिन भी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा तो वो बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। तो देखिए, उनसे उनके ब्लेसिंग से हमारे जीवन में सुख आता है, शांति आती है, अच्छी संपत्ति आती है, यानी कि पॉजिटिव वेज में लक्ष्मी जी हमारे घर में आती है, क्योंकि जहां नारायण होंगे वहां लक्ष्मी तो स्वयं चलकर आएंगी, और वो पॉजिटिव वे में, फाइन वे में आती है। यानी कि एक बोलते हैं ना कि मेहनत की कमाई, तो हमारी जो मेहनत है वो सफल होने लगती है, और मेहनत की कमाई से हमारी वो हमारी मेहनत की कमाई बहुत फलीभूत होती है, और उसमें माँ लक्ष्मी का पूरा पूरा आशीर्वाद होता है। आरोग्यता मिलती है, हेल्थ बेनिफिट हमें बहुत ज्यादा एकादशी रखने से, कैसे कि बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है जब हम एक लंबा गैप देते हैं। देखिए, अगर आपका आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है तब बात दूसरी है, लेकिन अगर हेल्थ अलाउ करती है और आप फास्ट रखते हैं तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है कि आप मेडिसिन लें या आप कोई खास क्रिया करें जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। अगर आप 15 दिन में एक बार ये फास्ट रख लेते हैं तो नेचुरल वे में बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, जिससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। और जब हमारे चक्रास, हमारी ऑरा एकदम बैलेंस्ड हो जाती है तो हार्मोनल बैलेंसिंग भी हमारी बॉडी में सहज ही होने लगते हैं। हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे हार्मोन्स कब बैलेंस हो गए हैं, यकीन नहीं आता। तो आप कभी भी करके देखिए, अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप ये काशी का व्रत करना शुरू कीजिए, कुछ टाइम बाद आपकी ये समस्या गायब हो जाएगी। और जब भगवान विष्णु के हमारे ऊपर ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं तो आने वाली जो संतति है, यानी संतान है, जो हमारे बच्चे हो चुके हैं इस टाइम में, उनको भी भगवान की ब्लेसिंग मिलती है और उन्हें सद्बुद्धि आती है। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं, क्योंकि ये व्रत तो हमारी पिछली पीढ़ियों को भी तारता है और आने वाली पीढ़ियों को भी आशीर्वाद मिलता है, ऐसा बार बार इसकी हर कथा में जिक्र आता है, तो जो आने वाली संतति है वह भी बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अच्छी सोल आए तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अभी से उसके वेलकम की तैयारी करें, अपने घर को और अपनी ऑरा को इतना अच्छा बना ले कि अच्छी सोल्स अट्रैक्ट हों और आपके घर में अच्छी संतान का जन्म हो। दिन भर में जाने अनजाने हम कितने ही मनसा वाचा कर्म ना पाप करते रहते हैं, जिनका हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता। देखिए, कभी कभी हम मन से, मतलब किसी का हमने कुछ देखा और शायद हमें जेलसी फील हो गई, तो ये भी एक पाप है, जबकि हमें किसी की ग्रोथ को देखकर खुश होना चाहिए और उसको ब्लेसिंग देनी चाहिए। याद रखिए, जो हम इस जीवन में आकर देते हैं ना, वही हमें लौट कर मिलता है। तो इस तरह से अनजाने वाले पाप बहुत से है, और कभी कभी हम लोग जानबूझकर भी पाप कर देते हैं, जैसे कि जानबूझकर झूठ बोल दिया। हमें पता है हम झूठ बोल रहे हैं और नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम एक फन के लिए भी झूठ बोल देते हैं। तो इस तरह से ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इनका डेफिनेटली हमें पाप लगता है, लेकिन एकादशी का व्रत करने से इन पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचिए कि हम पाप कर लेंगे, एकादशी तो है और हम व्रत करके इसका निवारण कर लेंगे, ऐसा हरगिज नहीं है। इसका एक बेनिफिट जो कि सबसे बड़ा है वो ये है कि इस दिन व्रत रखने से, जब भी हम कोई भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस दिन व्रत रखने से हमें सभी प्रकार के, क्योंकि इस दिन की एनर्जीज इतनी ज्यादा हाई होती हैं कि हम जो भी जप करते हैं उसका हमें हजार गुना फल मिलता है, ऐसा कथा कहती है। तो हमें जप का पूरा फल मिलता है और हमें दान का पूरा फल मिलता है, हम जो भी दान करते हैं मल्टीप्लाई होकर हमें उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो दान का भी पूरा फल मिलता है। और यहां तक कि आप अगर उस दिन बैठकर तीर्थ का स्मरण भी कर लेंगे ना, किसी भी तीर्थ का जहां आप जाना चाहते हैं लेकिन गए नहीं हैं या जा नहीं पा रहे हैं, उस तीर्थ का स्मरण कर लेंगे तो उस तीर्थ की यात्रा का भी फल मिलेगा, ऐसा कथा कहती है। तो जब इतने सारे बेनिफिट है, वो भी बिना कुछ किए घर बैठे मात्र एकादशी का व्रत करने से, तो आप क्यों नहीं फायदा उठाते, उठाइए। और प्लीज मेरे लिए भी प्रे कीजिए कि मैं भी कल का व्रत बहुत अच्छे से कर सकूं, मुझे भी ईश्वर की कृपा मिले। थैंक यू। वीडियो अगर पसंद आती है तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।